हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं रहमान सर आज आपके लिए लाया हूँ हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का जबरदस्त पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड पार्ट थर्ड। उससे पहले आप ई कॉमर्स जोन जो हमारा चैनल है इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ, ताकि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश की जानकारी सभी को हो जाए। आज मैं दो ट्रिक के साथ आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा विद इन 10 मिनट्स में, जो आपके दिमाग में उतर जाएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। तो ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा, मुझसे बैठा नहीं जाता, आपसे काम नहीं किया जाता, वे लोग काम नहीं कर सकते, इस तरह का मतलब सेंटेंस होता है जिसमें आपसे बैठा नहीं जाता है, आपसे काम नहीं किया जाता है, उनसे पढ़ा नहीं जाता है, उनसे रोपा नहीं जाता है, उनसे खेला नहीं जाता है, अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं भी रहेगा तो याद रखिएगा मेरा बात, ये आपका ट्रिक में आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दीजिएगा। दुनिया का कोई पावर नहीं है जो इसको गलत कर सकता है। जैसे कहता क्या है, इसमें आपको सबसे सब्जेक्ट पहले रखना है, उसके बाद EJMR रखना है, उसके बाद नोट रखना है, तब एबल देना है, ABLEABLE प्लस 2 प्लस वर्ब 1, 2 प्लस वर्ब 1 को हम ABLEABLE प्लस 2 प्लस वर्ब 1। जैसे मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और आप मेरे साथ प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और एक काम कीजिएगा, पहले आप खुद इसको स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसलेशन कर लीजिए और मेरे ट्रांसलेशन से मैच कीजिएगा। अगर मैच कर जाएगा, 10x10 आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर लिखिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझसे का मैं आपको बताया था आई होगा, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन करते जा रहा हूँ, ये रेड जो है आपका मार्कर से, यहाँ पर मैंने मुझसे का आई होगा, आप बताइए इसमें एम लगेगा, कन्फर्म एम लगेगा, उसके बाद नोट लगा देंगे, फॉर्मूला का तो मैं बना रहा हूं, आई एम नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, एबल टू, बैठ जाना क्या होगा, सीट, यू नो, सीट डाउन, या मुझसे बैठा नहीं जाता, हो गया। नेक्स्ट में है उनसे, उनसे खाया नहीं जाता, उनसे क्या होगा, ही या सी, मैं बताया था, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही और शी इज नॉट, उसके बाद क्या होगा बच्चे, एबल टू, खाना का क्या होगा, ईट, ओके। टू ईट को हम इन्फिनिटिव वर्ब भी बोलते हैं, जैसे टू गो, टू कम, टू लव, टू वांट, इस सब इन्फिनिटिव वर्ब है, ओके। उसके बाद थर्ड में देखिए, वे लोग से पढ़ा नहीं जाता, वे लोग का क्या होगा, दे, उसके बाद आर नॉट एबल टू, READ, रीड, या अध्ययन नहीं किया जाता तो स्टडी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर रीड ही काफ़ी है। नाउ फोर्थ में आपका बहुत ही ज़बरदस्त, हम लोगों से खेला नहीं जाता, तो हम लोगों का होगा बच्चे वी, क्या कहा आपने, वी, उसके बाद आर नॉट एबल टू, खेलना का प्ले, खेलना का क्या होता है, प्ले, वी आर नॉट एबल टू प्ले, हम लोग से खेला नहीं जाता, या हम लोग खेलने के अभी समर्थ नहीं है। नेक्स्ट में आपका है फिफ्थ नंबर, ट्रिक 1 का, माने ट्रिक 4 का, मोहन से लिखा नहीं जाता, तो लिख दूंगा मोहन इज नॉट एबल टू राइट, ओके। मोहन इज नॉट एबल टू राइट का मतलब हुआ मोहन से लिखा नहीं जाता, आपसे इस काम को नहीं किया, आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आपसे ये काम नहीं किया जाता, तो यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, इस तरह से हम बनाएंगे ट्रिक नंबर। नेक्स्ट में मैं आज जो दो ट्रिक लिया हूँ, उसमें ट्रिक नंबर फिफ्थ क्या कहता है, नाउन रहेगा प्लस प्रीपोजिशन रहेगा फिर नाउन रहेगा, याद रखिएगा, पहले नाउन रहेगा फिर प्रीपोजिशन रहेगा फिर नाउन रहेगा फिर प्रीपोजिशन, इस तरह से अगर आपका सेंटेंस रिपीट करता है तो याद रखिएगा हमेशा जो वर्ब लगेगा वह किसके अनुसार लगेगा, इस नाउन के अनुसार लगेगा। आइए हम देखकर बताते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा सेंटेंस में, ओके। वर्ब हमेशा इस नाउन के अनुसार लगेगा, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, राम की गायें काली हैं, तो याद रखिएगा ये पोजिशन को दिखाने के लिए, अपोस्ट्रोफिस एस को दिखाने के लिए हम दो तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि राम्स, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ राम्स, ओके, काउज आर ब्लैक, ब्लैक, राम्स काउज आर ब्लैक, या मैं इसको लिख सकता हूँ,
एक मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ और आप इसको देख लेंगे वन मिनट, और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं और इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। ये तो आप देख लिए ना, राम्स का उजर ब्लैक होगा, राम की गाय काली है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ये आपको जो है द काउज, यू नो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं द काउज ऑफ राम इज ब्लैक। ओके, तो आपने देखा द काउज ऑफ राम इज ब्लैक, तो ये गलत हो जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इस नाउन के अनुसार यहां पर ये वर्ब लगेगा। तो यहां देखिए द काउज है, द काउज सिंगुलर है कि प्लूरल है? वेरी गुड, आपने सही फरमाया, ये प्लूरल है तो यहां पर आर हो जाएगा। अगर इज और आर ऑप्शन रहेगा टिक करने के लिए तो आप इसको कीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां पर होगा द काउज ऑफ राम आर ब्लैक, या आप कर सकते हैं राम्स काउज आर ब्लैक, यू नो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं जो ये दिया हूं नाउन, तो ये नाउन हो गया और ये प्रीपोजिशन ये ऑफ हो गया, मैं इस फॉर्मेट के अनुसार यहां पर मैं बनाया हूं। तो राम की गायें काली है, आपकी गायें सफेद है, आपकी गायें पीली है, इस तरह से आप बहुत ट्रांसलेशन बनाते हैं। आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ओके, आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन। यहां देखिए, यहाँ पर इस तरह का मैं बता रहा हूँ, इस पुस्तक के नियम सरल हैं, तो लिखेंगे क्या कि द रूल्स ऑफ दिस बुक इज, ओके द रूल्स ऑफ दिस बुक इज, या होगा आर सिंपल। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं आपसे बोल ये रहा हूँ कि आप बताइए ये इज होगा या आर सही होगा। अब देखिए इसमें वही आ गया, रूल्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? वेरी गुड, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। इसी तरह से मैं आपको दो तीन और सेंटेंस मौखिक बता दे, ओरल बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा इस नदी की पानी जो है बहुत मीठी है, या आपने सुना होगा इस स्कूल के विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। तो याद रखिएगा जो इस विद्यार्थी, इस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, तो याद रखिएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ओके तो वहां पर आर होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यानी ऑफ के पहले स्टूडेंट्स आया है, इसलिए यहां पर होगा। लेकिन मैं बोलता हूं द वाटर ऑफ दिस रिवर, तो यहां द वाटर ऑफ दिस रिवर्स बोलता हूं तो दिस प्लूरल लगता है, लेकिन वाटर चूंकि सिंगुलर है, ऑफ यानी प्रीपोजिशन के पहले आया है, इसलिए यहां पर आपको ये लगेगा। तो ये आपको नियम याद रखना है, प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन, पहला नाउन आता है, इसके अनुसार यहां वर्ब निर्धारण होता है। ऑलरेडी मैं स्पेशल जिसको मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट तो मैं बताऊंगा, बट इस तरह का एक सिंपल ट्रांसलेशन वाला मैं मेथड बता रहा हूं। तो इस पुस्तक के नियम सरल हैं, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर सिंपल। नेक्स्ट में क्या है, इस टेबल पर किताबें हैं। इस तरह से आप कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड यूज करते होंगे, तो मैं इसको बता रहा हूं क्या होगा, इस टेबल पर किताबें हैं, तब यहां पर मैं देयर का यूज करूंगा। आप बोलेंगे सर देयर आपने कहां से लाया? देखिए देयर का यहां कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं, INTRO इंट्रो DUCTORY इंट्रोडक्टरी, इसका मतलब हम एज ए सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। देखिए एक THEIR देयर माने उनका उनकी होता है, ओके, और एक होता है THERE देयर माने वहां। लेकिन देखिए ये जो है आपका एडवर्ब है, बट ये आपका एडवर्ब नहीं है, ओके। तो यहां पर जो मैंने आपको लिखा है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब क्या लिखूंगा, देयर आर चूंकि है बोल रहा है ना, देयर आर बुक्स यू नो ऑन दिस इस टेबल पर, तो ऑन दिस टेबल मीन्स मेज, ओके। तो देयर आर बुक्स ऑन दिस टेबल का मतलब क्या हुआ, इस पर मान लीजिए चौकी पर, मान लीजिए पलंग पर कुछ किताबें हैं, कुछ टेबल पर है, कुछ टीवी के ऊपर है, तो आप इस बोल सकते हैं देयर आर बुक्स ऑन द
टेलीविजन, टेलीविजन के ऊपर क्या है, बुक रखी हुई है उसके ऊपर, ओके। इस बाग में सुंदर फूल है। तो इस तरह से मैं जितने भी ट्रांसलेशन बनाऊंगा तो मैं देयर का यूज करूंगा, तो बोलूंगा कि देयर इज, यू नो, सुंदर फूल है, देयर इज, उसके बाद क्या होगा आपका, इस बाग में ब्यूटीफुल, मतलब क्या है, देयर इज अ, वन मिनट, मैं बता रहा था यहां पर क्या होगा, इस बाग में सुंदर फूल हैं। तो याद रखिएगा देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, लेकिन आपको यहां देखना है कि क्या होगा, ओके। तो देयर इज या आर, दो ऑप्शन आपको, एक ऑप्शन चुनने वाला रहेगा, तो लिखिएगा देयर इज या आर, यू नो, ब्यूटी फूल, या फिर यहां पर सबसे बढ़िया आप लवली दे देंगे, ओके, देयर आर लवली फ्लावर्स, फ्लावर्स इन दिस, ओके, जी ए आर डी एन, गार्डन, ये आपका हो गया। नाउ यहां पर आपने क्या देखा कि मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं, तो आपको यहां पर आर होगा, यहां पर इज नहीं होगा, तो बोलिएगा क्यों, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फ्लावर्स है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लावर सब्जेक्ट होता है। अगर देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो याद रखिएगा उसमें जो नाउन होता है ना, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब बताइए फ्लावर सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेरी गुड, प्लूरल है, इसीलिए मैं यहां पर आर लगाया। अब देखिए यहां भी देयर हुआ, अब बताइए बुक्स ना सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेरी गुड, प्लूरल है, इसीलिए यहां पर आर लगा, यहां पर इज नहीं लगता। तो याद रखिएगा इस तरह से। बट अगर मैं बोलूंगा कि एक किताब है टेबल पर, तो मैं बोलूंगा देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो याद रखिए यहां पर ए देयर इज लगे, क्यों, क्योंकि एक किताब है, अगर ज्यादा किताब है तो देयर आर हो जाता, ओके। तो यहां पर इस घोड़े का रंग काला है, तो यहां पर मैं इस तरह का ट्रांसलेशन बनूंगा तो क्या होगा, द कलर, यहां देखिए द सी ओ एल यू आर, कलर, देखिए दो तरह से लिखा जाता है, एक अमेरिकन और ब्रिटिश। अगर आप अमेरिका में लिखेंगे तो सी ओ एल ओ आर कलर हो जाएगा, लेकिन ओ यू आर जहां भी रहेगा वो ब्रिटिश होगा, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ, यू नो, द हॉर्स, या दिस बोलेंगे, द हॉर्स बोलेंगे, द कलर ऑफ द हॉर्स, ओके। यहां पर क्या हो जाएगा, इज ब्लैक, ओके, बी एल ए सी के, ब्लैक, यहां पर द कलर ऑफ द हॉर्स इज ब्लैक, इस घोड़े का रंग काला है, इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा ये कलर क्या है, सिंगुलर, क्या है बच्चे, सिंगुलर, इसलिए यहां पर इज लगा, याद रखिएगा आर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कलर के अनुसार आपने देखा ये नाउन हो गया, उसके बाद ये प्रीपोजिशन हो गया, फिर नाउन हो गया। तो आपको मैं बताया था जो पहला नाउन होगा इसके अनुसार यहां वर्ब लगेगा, अगर ये कलर्स रहता तो यहां पर आर हो जाता, ओके। अब देखिए इस राज्य के लोग गरीब हैं, इस तरह का भी सेंटेंस आपको बनाने को मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से बनाइएगा, इस राज्य के लोग गरीब हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द पीपल, गरीब लोग का क्या होता है बच्चे, द पीपल, द पीपल, उसके बाद क्या होगा, ऑफ द, या फिर दिस स्टेट बोल सकते हैं, ऑफ द दिस स्टेट, यू नो, ऑफ दिस स्टेट, द पीपल ऑफ दिस स्टेट, उसके बाद देखिए ये पीपल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेरी गुड, आप जानते होंगे ये प्लूरल है, ओके, प्लूरल माने एक से ज्यादा है, तो यहां पर इज होगा कि आर होगा, इज या आर, तो यहां पर आराम से आप आर करेंगे, इज को काट देंगे, द पीपल ऑफ दिस स्टेट आर, उसके बाद गरीब है का क्या होता है, पुअर, गरीब का क्या होता है बच्चे, पुअर, तो यहां आप लिख देंगे, यू नो, पी डबल ओ आर, पुअर, याद रखिएगा पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है, ओके, और गरीब लोग का द पुअर होता है, तो यहां द पीपल ऑफ दिस स्टेट आर पुअर, क्योंकि इसके अनुसार यहां पर आर लग गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ट्रांसलेशन है, सेवंथ नंबर, पेड़ पर बंदर है, घर पर किताबें हैं, घर पर पंखे हैं, इस तरह का बहुत सेंटेंस आता है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर होगा देयर, यू नो, बंदर है, देयर आर मंकीज, यू नो, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री, यू नो, ऑन द ट्री, मतलब एक पेड़ है उस पर बहुत सारे बंदर हैं, तो यहां पर मंकीज के अनुसार क्या लग गया,
आर लग गया, मंकीज के अनुसार क्या लगा, आर लगा। नाउ नेक्स्ट में लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, स्कूल में शिक्षक हैं। तो इसको इस तरह का सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। स्कूल में शिक्षक है, पहले पहले लगेगा कि अच्छा टीचर इन स्कूल इन टीचर्स, नहीं, ऐसे सेंटेंस का हमेशा देयर के साथ ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर, यू नो शिक्षक हैं तो देयर आर, यू नो टीचर्स, ओके देयर आर टीचर्स, यू नो इन द स्कूल, ओके देयर आर टीचर्स इन द स्कूल, मतलब क्या हुआ, स्कूल में शिक्षक हैं। इस तरह का ट्रांसलेशन आप करने के लिए आप मेरा वीडियो को कम से कम दो बार काइंडली जरूर देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू मस्ट नो दीज ट्रिक्स एज वेल एज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे डे बाई डे ट्वाइस थ्राइस अ डे, देन इट इज पॉसिबल, तब संभव होगा कि यू कैन कमांड ओवर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके। तो इस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको लाइक करते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए और हमारा जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय, आगे हम पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।